हाय सस्काल सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर इसरार साहब का एक बयान है जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू लर्न कुरान वेयर टू स्टार्ट बाय डॉक्टर इसरार अहमद। टाइटल से तो मुझे लगता है कि हो सकता है डॉक्टर इसरार अहमद से किसी ने ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा हो। जो वीडियो है ये 10 मई 2021 का है, बट ये आई थिंक रिसेंट कोई वीडियो है या किसी ने पुराना वीडियो दोबारा से अपलोड किया हो, बिकॉज डॉक्टर इसरार अहमद ही ऑलरेडी पास्ड अवे इन 2010। तो हो सकता है ये पुराना वीडियो हो जिसमें किसी ने डॉक्टर इसरार अहमद से पूछा हो कि आई वॉन्ट टू लर्न कुरान, एंड उनका जो रिप्लाई उस टाइम पे रिकॉर्ड किया गया हो उसको किसी ने आज मीन्स अभी रिसेंटली मई में ही पोस्ट किया हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तभी हमें ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए, आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए या कैसे। क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं पढ़ते हैं तो कुछ उलामा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी यह है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हसन हैं या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था, तो एक अजीब सा मतलब के जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, उसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए, और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह के जनाब। मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूँ, शायद आपको बहुत वो नई सी लगेगी। कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ते थे। बद्दू न फलसफी थे, न मंतकी थे, न साइंसदान थे, न अभी हदीसें उनके पास थी, न अभी फिक्का मुरतब हुई थी। वो क्या था? अरबी जबान, ये उनकी तो शर्त अव्वल जो है कुरान मजीद को समझने के लिए वो अरबी जबान का सर्फ और नहफ सही सही जानना, ये लाजिम। फिर कुरान के मतन ही को असल समझिए। अलबत्ता यह है कि इसको आप समझे कि ये पहला मरहला है कुरान पर गौर का, कुरान पर फिक्र का, कुरान पर सोच का। इसके बाद अगले मराहिल भी आएंगे, इसी कुरान से फिर कवानीन जो है वो अक्स होने हैं। अच्छा, इसमें बाद से वाकयात ऐसे हैं कि जो तो एक तारीखी हैसियत रखते हैं। अब उनमें उस वाक़े के ज़िमन में तफसील में कहीं कोई इख्तलाफ हो गया तो कोई हर्ज वाक़ नहीं होता। अभी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मैं चंद जुमले अभी आपके सामने यहाँ अदा करूँ और फिर 10 मिनट के बाद पूछा जाए आपसे, तो हर शख्स जो है उसको कहेगा, वो जवाब जो मेरा देगा वो मुख्तलिफ होगा, उसमें उसकी अपनी बात भी शामिल हो जाएगी और सोच मेरी बात सुनते हुए भी जो उसका सब्जेक्टिव माइंड है वो उसके अंदर उस वक्त हाजिर होगा, वो उससे उसको ना कोई नतीजा खुद अपने उस सब्जेक्टिव माइंड के हवाले से हासिल करेगा, वो बयान करेगा। तो इन चीजों में अहादीस में अगर कोई इख्तलाफ भी हो जाए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी हमारे यहाँ ये जुमे के इज्तिमाआत में हदीस जिब्राइल जो उम्मुस सुन्ना कहलाती है, जैसे सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, ऐसे हदीस जिब्राइल उम्मुस सुन्ना, सुन्नत की जड़ और माँ। अब उसकी जो रिवायात आई है उसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ है, अल्फाज का इख्तलाफ है, एसेंस एक है, मफहूम एक है, अल्फाज में बड़ा फर्क है, तफासिल का फर्क है। इस हवाले से उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यह कि फिकी मामला के अंदर इख्तलाफात हो गए वो भी नेचुरल है। आपको मालूम है कि एक ही मुकदमा होता है, 8 जज बैठे हुए हैं एक बेंच पर, 5 का फैसला एक है, 3 का एक, या और भी तकसीम हो सकती है। कानून वही है, और ये मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की,
वहाँ पे तो जाहिर बात है वो नए बयानात नहीं लिए जाते, वो जो जो भी फाइल है वो तो बहुत पहले से तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर बहस होती है, उसी से अखज किया जाता है, मतलब उनका वही रहता है, उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, उस मौके पर कोई नई गवाही नहीं आती। तो इस एतबार से इन चीज़ों पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप आगाज़ जिस तरीके से करें वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें यह कि आप असल में इन तमाम जो चीज़ें हैं इजाफी उनसे ज़रा सरफ नज़र करते हुए आर्जी तौर पर पहले कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ता है। और वही बात थी कि बद्दू फिर जिस तरीके से मोटिवेट हुआ, बद्दू से मुराद मैं सहाबा को आमतौर पर नस दे रहा हूँ, उनकी इसके लिए वो न समझिए कोई तौहीन की बात है, मतलब ये कि मैं इस बारे में कह रहा हूँ कि वो लोग फलसफे नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बल्कि उम्मत का नाम ही है ये जो है उम्मीदीन अनपढ़ लोग, अनपढ़ अनलेटर्ड वन, हुजूर की निशान भी यही है उम्मीद है। तो उन्होंने कुरान को जिस तौर से समझा है वो है बेहतरीन तरीका कुरान को समझने का, और उसी से फिर वो सही मोटिवेशन होती है कि उन्होंने तन मन धन सब लगा दिया अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया। बहसों में पढ़कर और वो जो बारीकियों में पढ़कर और बाल की खाल उतार कर और मंतकी तौर पर तजिया करके और फराम अहादीस के तकाबुल के इसमें पढ़कर इल्म का तो इजाफा होगा, लेकिन वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जो है वो उसके अंदर नहीं रहेगी। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह। तो ये कोई पुराना वीडियो ही है जो अभी रिसेंटली अपलोड किया गया है। तो इसमें डॉक्टर इसार अहमद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मतलब जब भी हम कोई भी चीज लर्न करना चाहते हैं, कुरान तो 100% हम लोगों को डेडिकेशन देना ही पड़ेगा अगर एक्चुअली हम लोगों को जो रियल मैसेज है कुरान का उसको हम लोग जानना चाहते हैं, तो हम लोगों को तन मन धन सब कुछ उस पर लगाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान अपने रोज़मर्रा की जो काम है उसका जो डेली लाइफस्टाइल है जो डेली वो काम करता है उसके साथ में मीन्स साइमल्टेनियसली वो इंसान दीन पे भी इतना ज़्यादा अपना फोकस कर सके और साथ में जो उसका जॉब है या उसका बिजनेस है या उसकी फैमिली है रिलेटिव्स हैं उन सबको भी इक्वली वो इम्पोर्टेंस दे सके। अगर जैसे अगर हम बात करें कि जो लोग उसमें जो मस्जिद में जाकर मैंने देखा है कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो वहाँ जाकर सिर्फ दीन की तालीम हासिल करते हैं। इवन जैसे मैंने बताया था कि मेरे काफ़ी आसपास वाले लोग मुस्लिम रह चुके हैं, तो मैंने देखा था कि वो जब ट्यूशन भी आते थे तो अगर उनके क्लैश होता था ना कि उनके एग्ज़ाम्स स्कूल के और उनका जो मस्जिद में जो उनका चैप्टर चलते थे या मीन्स मस्जिद में जो भी उन्हें पढ़ाया जाता था, तो अगर वो क्लैश करते थे ना वो स्कूल के अपने एग्ज़ाम्स वगैरह को मिस कर देते थे, बट वो अपने दीन की जो तालीम लेने जाते थे उसको कभी भी वो लोग मिस नहीं करते। तो मतलब क्या इतना ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है कि प्रॉपरली कुरान को सीखने के लिए और दीन को फॉलो करने के लिए, बट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सेम वही बिजनेस वगैरह उसमें करते हैं। बड़े होने के बाद में मैंने देखा है कि उनका जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि छोटे होते तो पूरा दीन की तालीम लेना और सब कुछ करना डेली मस्जिद जाना और वो करना, बट मैंने देखा है बड़े होकर उनका जब मैरिज भी हो गई चलो अपना ऑफिस जा रहे हैं या फिर जो लोग बिजनेस में हैं वो अपना बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे, बट हाँ जितना भी जब सीखना है तो हम लोगों को 100% डेडिकेशन तो देना ही होगा अगर हम लोगों को एक्चुअली सीखना है और कुछ लर्न करना है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी, बाय बाय।